हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर लीग सोकर लीग के मैच के बारे में जो खेला जाएगा रियल साल्ट लाके और सान जोसे के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो इस वीडियो में इन दोनों टीमों के हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो को कम्प्लीट देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। तो गाइज, रियल साल्ट लाके मेजर लीग में फिलहाल के टाइम पर 3 पोजीशन पर, वहीं पर बात करें सान जोसे फिलहाल के टाइम पर 13 पोजीशन पर है। तो गाइज, इन दोनों टीमों की जो पोजीशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गाइज, अब बात आती है कि इन दोनों टीमों में से हम किस टीम को अपने ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चलें। तो गाइज, मैं फिलहाल के लिए रियल साल्ट लाके को ही एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो भी काफ़ी सेफ है, प्लस ये मैच इस टीम के होम ग्राउंड में, और ये टीम जब भी अपने होम ग्राउंड में अपने से हल्की टीम के सामने मैच खेलती है या तो मैच को विन ही करती है, मैच को ड्रॉ खेलती, लेकिन मैच को जल्दी से लॉस नहीं करती। तो इसीलिए मैं रियल साल्ट लाके को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन गाइस, हम बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से, और यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीम का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है हेड टू हेड मैचेस में। तो गाइस, इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट 5 हेड टू हेड मैच खेले गए, जिनमें से रियल साल्ट लाके इस टीम के सामने सिर्फ एक ही मैच विन करी है और 4 मैच इस टीम के सामने लॉस किए। अटैकिंग वाइज 2 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से भी 3.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहना का मतलब, जब भी दोनों टीमें आपस में खेलती है तो दोनों टीमों की तरफ से एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलता है। दोनों टीमें काफ़ी अच्छे से गोल कर लेती हैं, लेकिन डिफेंस से भी ये टीम पर मैच में कहीं ना कहीं दोनों टीमें एक दूसरे के सामने गोल कंसीड कर देती हैं। अब गाइस, बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया, उस मैच को सान जोसे इसी टीम के सामने 4-3 से विन कर गई। अटैकिंग वाइज उस मैच में सान जोसे ने 4 गोल स्कोर किए, लेकिन डिफेंस से 3 गोल कंसीड किए, और उससे मुकाबले फिर इन दोनों टीमों के बीच मैच खेला गया और वो मैच भी काफ़ी हाई स्कोरिंग गया। 4-3 से रियल साल्ट लाके उस मैच को विन कर गई। लेकिन उससे पिछले 3 मैच इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए, तीनों मैच यहाँ से सान जोसे ने विन किए, लेकिन तीनों मैच में दोनों टीमों ने काफ़ी अच्छे से स्कोर भी किया और डिफेंस से एक दूसरे के सामने गोल कंसीड किया। तो परफॉर्मेंस अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सान जोसे का विन करने में तो अच्छा है, लेकिन दोनों टीमें हमें तो फैंटेसी प्रेडिक्शन की टीम बनानी है, ओके। हमें तो ये देखना कि कौन सी टीम अच्छा परफॉर्मेंस करती है अटैकिंग वाइज। दोनों टीमों का अटैक है काफ़ी शानदार है, दोनों टीमें एक दूसरे का सामने गोल कर देती हैं और डिफेंसिव गोल कहीं ना कहीं कंसीड कर देती हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि दोनों बोथ टीम टू स्कोर इस मैच में आसानी से हो जाएगा, ओके। तो अब बात आती है इन दोनों टीमों का जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। तो गाइस, रियल साल्ट लाके करंटली 6 मैच खेल चुके, जिनमें से इस टीम ने 4 मैच विन करें, 2 मैच लॉस किए। अटैकिंग वाइज 1.5 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब, ये टीम पर मैच में कम से कम तो एक, और कभी कभी ये टीम पर मैच में 2 गोल भी स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंस ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, अपने से बेहतर टीम के सामने ही गोल कंसीड करती, वरना हल्की टीम के सामने ये टीम गोल तक कंसीड नहीं करती। तो परफॉर्मेंस अगर रिसेंटली रियल साल्ट लाके के देखा जाए तो काफ़ी शानदार है, अटैक से लेकर डिफेंस तक, मैच को विन करने से लेकर मैच को ड्रॉ और लॉस करने तक। अब बात करें जो पिछला मैच रियल साल्ट लाके 2-1 से वैनकूवर के सामने हार कर आ रही है। अटैकिंग वाइज इस टीम ने उस मैच में भी 1 गोल स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 2 गोल कंसीड किए, और उससे पिछले 3 मैच इस टीम ने विन किए। तीनों मैच में इस टीम ने काफी शानदार परफॉर्मेंस किया, लेकिन डिफेंस से भी कहीं ना कहीं पर मैच में 1 गोल कंसीड कर देती है। लेकिन उससे मुकाबला नाश विला के सामने ये टीम 2-0 से मैच को लॉस की, और एक मैच ला गैलेक्सी जो कि काफ़ी अच्छी टीम है, और उस टीम के सामने टीम अपने होम में 1-0 से मैच को विन भी किए। तो परफॉर्मेंस अगर रिसेंटली रियल साल्ट लाके के देखा जाए तो अटैकिंग वाइज तो अच्छा है, लेकिन डिफेंस भी कहीं ना कहीं बेहतर देखने को मिलता है। तो गाइस, अब बात आती है सान जोसे का जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। तो गाइस, सान जोसे करंटली 6 मैच खेल चुके हैं, जिनमें से इस टीम ने सिर्फ एक ही मैच विन किया है, बल्कि 3 मैच ड्रॉ खेले और 2 मैच लॉस किए। अटैकिंग वाइज 1.5 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 1.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहना का मतलब, ये टीम भी प्रत्येक मैच में गोल स्कोर कर ही देती है, और डिफेंस से तो ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम एक, और कभी कभी 2 या 3 गोल तक कंसीड कर देती है। तो परफॉर्मेंस अगर रिसेंटली देखा जाए तो इस टीम का अटैक से लेकर डिफेंस तक इक्वल ही देखने को मिलता है। अब गाइस, बात करें जो पिछला मैच सान जोसे नैशविला के सामने ही डिफेंसिव ड्रॉ खेल कर आ रही है, और उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने लॉस, 2 मैच इस टीम ने सिर्फ 2 ही गोल स्कोर किए, लेकिन डिफेंस से 5 गोल कंसीड किए। तो वहां यहां पर इस टीम का डिफेंस काफी डाउन रहा, लेकिन उससे पिछले 3 मैच खेले इस टीम ने 2 मैच अटैकिंग वाइज ड्रॉ खेले और 1 मैच इस टीम ने 3-2 से विन किया है। तीनों मैच में इस टीम ने काफी शानदार परफॉर्मेंस किया अटैक से, लेकिन डिफेंस से भी कहीं ना कहीं पर मैच में गोल कंसीड किया हुआ है। तो गाइस, अब बात आती है फाइनली अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों की पॉइंट टेबल पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मैच पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट
फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर ले कि कौन सी टीम को बेहतर परफॉर्मेंस रहा इन तीनों फॉर्मेट में, तो कहीं पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग तो रियल साल्ट लैके की जो पोजीशन है फिलहाल के टाइम पर काफी सेफ है, और सान जोस से जो पोजीशन वो काफी डाउन है। और हेड टू हेड का अकॉर्डिंग देखा जाए तो रियल साल्ट लैके ने इस टीम के सामने सिर्फ एक मैच विन किया है, लेकिन सान जोस ने अधिकतर मैच इस टीम के सामने विन किए हैं। लेकिन हेड टू हेड के अकॉर्डिंग एक चीज भी निकल कर आती है कि जब भी दोनों टीमें आपस में खेलती है तो बोथ टीम टू स्कोर होने का 90% नहीं 95% रहते हैं। ओके, और हेड मतलब रीसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए रियल साल्ट लैके का जो परफॉर्मेंस वो काफी शानदार है अटैक से लेकर डिफेंस तक, और सान जोस का जो परफॉर्मेंस रिसेंटली काफी डाउन है अटैकिंग से लेकर डिफेंस तक। तो कहीं ना कहीं आपको तीन फॉर्मेट में रियल साल्ट लैके ही एक फेवरेट टीम देखने को मिलेगी, तो इसीलिए मैं इस टीम को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। तो फाइनल गाइज अब बात आती है अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है, तो गाइज मुझे लगता है कि कम से कम इस मैच में रियल साल्ट लैके दो गोल तो आराम से स्कोर कर देगी, और शायद इस मैच में कम से कम एक गोल तो सान जोसेफ कर सकती है, शायद दो गोल भी आ सकते हैं लेकिन एक गोल मैं मान के चलता हूँ। तो इसलिए मैं अपना इस मैच की स्कोर लाइन प्रेडिक्शन रखता हूँ 2-1, और 2-1 के प्रेडिक्शन के अनुसार हम अपनी ड्रीम 11 टीम क्रिएट करेंगे ड्रीम 11 पर। उससे पहले हम बात भी करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर कितना गोल निकाले हैं और कितना असिस्ट निकाले हैं, तो हम सब उस पर नजर डालते हैं रियल साल्ट लैके प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नजर डालेंगे सान जोस के जो प्लेयर्स उनके बारे में कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो नजर डालते हैं रियल साल्ट लैके प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले दोस्त अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सेकंड बेस्ट यूट्यूब चैनल है फुटबॉल फैंटेसी में, आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट का तो आपने काफ़ी किए होंगे तो आप फुटबॉल में भी कर लियो। ओके, अगर आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नॉलेज आपको इसी तरह का हर वीडियो में मिलती रहेगी। और हाँ दोस्त, इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो का टॉप का कमेंट में डाल दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। ओके, बात करते हैं सीधे मुद्दे की प्लेयर वाइज की, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो हम नजर डालते हैं सबसे पहले रियल साल्ट लैके के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस रियल साल्ट लैके टीम तरफ फिलहाल टाइम जो हाईएस्ट गोल टेकर सर्जियो कार्डोवा इस टीम तरफ से 3 गोल निकाल चुका, जस्टिन गलार्ड जिसने 3 गोल निकाले, बॉबी वुड इस टीम तरफ से 3 गोल निकाल चुका, जस्टिन मीराम 2 गोल निकाल चुका, टेट जो कि इस टीम तरफ 2 गोल निकाल चुका, बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं उन सभी ने एक एक गोल निकाला हुआ, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर ना इस टीम तरफ से आपको कोई कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं देखने को मिलेगा कि हाँ यही प्लेयर गोल मारने का 90% चांस रखता हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू लाइनअप हम टीम में उन प्लेयर्स को ट्राई करेंगे जो एज अटैकिंग पोजिशन खेलेंगे। लेकिन अभी के लिए यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर सर्जियो कार्डो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा और जस्टिन गलार्ड भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बॉबी वुड का खेलने थोड़ा सा डाउन है तो इसलिए मैं ज्यादा सच नहीं कर रहा। ओके, जस्टिन मीराम एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, बाकी का आप सामने सभी प्लेयर्स का रिकॉर्ड है आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट में हमें देखा जाए तो माइकल चेंग है जिसने 4 असिस्ट निकाले, जस्टिन मीराम गोल में भी असिस्ट में भी कंट्रीब्यूट, पैब्लो रुइज जिसने 3 असिस्ट निकाले, बाकी के जितने भी प्लेयर्स हैं सभी ने एक एक असिस्ट निकाला हुआ, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ जो टॉप प्लेयर है उनको मैं राइट का टिक कर रहा हूँ और उन्हें तो आप टीम में ट्राई करके चले लेना। ओके, तो बात आती है जो सेकंड टीम है उसके जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो हम नजर डालते हैं सान जोस के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस सान जोस टीम तरफ जो मोस्ट हाईएस्ट गोल टेकर फिलहाल टाइम जेरेमी इबो 20 है जो कि 9 गोल निकाल चुका है, आप इनको अपनी टीम में जरूर से जरूर पिक करना क्योंकि जब भी दोनों टीम आपस में खेलती है तो 90% चांस रहते हैं काफी हाई स्कोरिंग मैच ज्यादा, तो इस प्लेयर को अपनी टीम का कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से क्रिस्टियानो स्पिनोजा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है, ड्रॉप किसी भी कंडीशन में नहीं करना और इनको भी आप अपनी टीम का चाहे तो कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। ओके, यहाँ से जमीरो मोंटेरो मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, लाइनअप आने के बाद देखेंगे ये प्लेयर 90 मिनट खेलेगा या नहीं खेलेगा, अटैकिंग पोजिशन खेलेगा नहीं खेलेगा, उसका अकॉर्डिंग ट्राई करूंगा। ओके, जैक्सन यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है तो इनको भी टीम में ट्राई करके चल लेना, बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं उन सभी का आप सामने रिकॉर्ड भी आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोवेली भी एक अच्छा प्लेयर है, प्रीवियस सीजन ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया था, लेकिन जावियर लोपेज प्रीवियस सीजन इसी टीम का टॉप हाईएस्ट गोल टेकर था, लेकिन फिलहाल टाइम पर इसका करंट फॉर्म काफी डाउन है तो इसलिए मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करता, लेकिन अगर एज ए अटैकिंग पोजिशन खेलेगा तो इनको टीम में ट्राई करके जरूर चलेंगे। ओके, हेड टू हेड में भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है तो इसलिए मैं इनको टीम में ट्राई करने के लिए तभी बोलूंगा। ओके, तो बात आती है इस टीम तरफ जो कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट है जो मैंने राइट की टिक किया उन्हें ट्राई करके चल लेना। अब नजर डालते हैं टीम के असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो असिस्ट मामले में बात की जाए तो स्पिनोजा है 5 असिस्ट निकाल चुका है और यहाँ से ग्रेगस जिसने 5 असिस्ट निकाले, जमीरो है 4 असिस्ट निकाल चुका, जमीरो का गोल में भी और असिस्ट में भी कंट्रीब्यूटर, लेकिन ये ज़्यादातर एज ए सब्सिट्यूट स्टार्ट करता है, मतलब एज ए नाइन मतलब प्लेइंग 11 नहीं खेलता, तो इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करना। ओके, कोवेल और इबोसिस है जो कि परफॉर्मेंस अच्छा दे चुके हैं। ओके, तो यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वो मैंने टिक करे हैं और उन्हें आप हम टीम में ट्राई करके चल लेना। अब बात आती है इस मैच के स्कोर लाइन प्रेडिक्शन, अभी के लिए हमने 2-1 रखी है, क्या इस मैच की स्कोर लाइन प्रेडिक्शन के अनुसार हमारी टीम रहेगी वो हम देखेंगे अपनी ड्रीम 11 की टीम पर। उससे पहले दोस्त अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि इतनी लेट लाइट नाइट में आपके लिए मैच कवर कर रहा हूं तो मेहनत तो यार आपके लिए ऑब्वियसली कर रहा हूं, तो उम्मीद है ये मेहनत आपको कहीं ना कहीं
काफ़ी भाई होगी। तो अगर आपको हमारी मेहनत भाई तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके तो चलिए नज़र डालते हैं इस मैच की ड्रीम इलेवन की टीम पर। सबसे पहले हम बात करें गोलकीपर सेक्शन से। देखो मैं आपके लिए कुछ ट्रिक्स बताता हूँ फुटबॉल टीम बनाते कि आप गलती क्या करते हो फुटबॉल जब टीम बनाते हो। सबसे पहले आपने यहाँ तक वीडियो देखी, क्लियर है कि जब भी दोनों टीम आपस में खेलती है तो हाई चांस रहते हैं, दोनों टीमें गोल कर देती हैं और दोनों टीम का डिफेंस और अटैक काफ़ी शानदार है। अगर हल्का सा डिफेंसिव वाइज अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो रियल शॉट लगा डिफेंस अच्छा खेलती है और जो यहाँ से डिफेंस थोड़ा सा डाउन जो है वो यहाँ सान जोसे का है। ओके तो यहाँ से पता चलता है दोनों टीमें सेम लेवल की हैं, अटैक से लेकर डिफेंस तक दोनों टीमों का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो गोलकीपर में किसको पिक करें, देखो यहाँ से मैथ है आप ट्राई कर सकते हो और यहाँ से मार्चिन कोविच की एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, तो दोनों में से किस में हम टीम ट्राई करें। मैं अभी के लिए ना दोनों टीमों को गोलकीपर को 50-50 मानता हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों टीमों का अटैकिंग भी अच्छा परफॉर्मेंस है और डिफेंस भी कहीं ना कहीं सान जोसे का मतलब रियल शॉट लगेगा अच्छा है, तो इसीलिए मैं सान जोसे के गोलकीपर ट्राई करने के लिए बोलूँगा। ओके बात करें डिफेंडर में, तो यहाँ जो मैं फर्स्ट चॉइस अपने डिफेंडर मान चलूँगा वो यहाँ से रहेगा काल्वो, तो इनको हम टीम में ट्राई करके चलूँगा। और ग्लेड अगर खेलेगा तो इनको भी मैं टीम में एज ए फर्स्ट सेकेंड चॉइस मान चलता हूँ। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है तो इनको ट्राई करेंगे। बेसन का खेलने के चांस थोड़े से डाउन रहेंगे, इसका नाम है नाथन कार्डोसो, अभी के लिए ड्रॉप करते हैं क्योंकि मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट प्लेयर उसको एक बार चेक कर लेते हैं मिलेगा या नहीं, लेकिन नहीं मिलेगा तो हम उसको ड्रॉप ही करेंगे यार। चलो अभी के लिए हम कार्डोसा को ही टीम में ट्राई कर लेते हैं। ओके तो बात करें बाकी जितने और प्लेयर्स हैं इनको मैं क्यों नहीं पिक कर रहा, क्योंकि मैं मान चलता हूँ कि दोनों टीमों की तरफ से आसानी से गोल हो जाएंगे। अगर जब दोनों टीमों तरफ से गोल हो जाएंगे तो इनका ज़्यादा इतना डिफेंसिव पॉइंट आएगा नहीं, तो हम इसलिए उन प्लेयर को पिक करें जो गोल करें। ओके तो यहाँ से हम सेंटर फोर्ड मतलब मिडफील्ड में हम पिक करते हैं जस्टिन मीरा, गोल और असिस्ट दोनों में इसका कंट्रीब्यूट रहा है तो ट्राई कर लेना। माइकल चैंग का ओनली 4 असिस्ट आए, गोल नहीं आया, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो लेकिन मैं ड्रॉप करूँगा। इस स्पिनोज़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है तो इनको मैं इस कंडीशन में ड्रॉप नहीं कर सकता। ओके मैंने बोला कि यूएल भी एक अच्छा खास प्लेयर है लेकिन अभी के लिए मैं पिक नहीं कर रहा, मैं यहाँ से पिक कर चलूँगा सर्जियो सकोट कॉल्डवेल को नहीं करते, लेकिन हम यहाँ से पिक करने वाले हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ मिल गया, मतलब जावेर लोपेज। सलेक्शन पे ध्यान बिल्कुल मत देना, अगर एज ए सेंटर फॉरवर्ड खेलें तो टीम का कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, और वैसे आप जानते हो कि यार हम टीम कैप्टन वाइस कैप्टन एकदम सबसे हट के लाते हैं, और जिसका सलेक्शन भी लेस होता है और उसको टीम कैप्टन बना, इसका मतलब वो नहीं कि परफॉर्मेंस नहीं करता, वही गोल मारता है। ओके तो अभी के लिए हम लोपेज को हम टीम में ट्राई करने के लिए बोलेंगे, बाकी यहाँ से मैं किसी भी प्लेयर को इतना ज़्यादा सजेस्ट करता नहीं हूँ। यहाँ से जो अदर चॉइस है आप चलो मोंटेरो को रख सकते हो, जमीरो मोंटेरो को या माइकल चैंग को, लेकिन हम फिलहाल के लिए चैंग को ट्राई करते हैं। ओके बात करें सेंटर फॉरवर्ड, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी जेरेमी इवोविसिस। ओके यहाँ से कोर्डोवा, इनको मैं ड्रॉप नहीं करूँगा, और डामिर खेलने का चांस कम कम है, लेकिन डामिर प्रीवियस सीजन मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर था, तो डामिर खेलेगा तो ट्राई करेंगे जरूर लेकिन लाइनअप आने के बाद। ओके यहाँ से कैड कोवेल भी अच्छा खास चॉइस है, लेकिन मैं अभी के लिए इसको ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ। ओके मैं यहाँ से बॉबी वुड को नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं खेलेगा, तो यहाँ से कोड मतलब कोड केवेल को टीम में ट्राई करते हैं। बात करें कैप्टनसी की, तो मैं अपनी टीम का कैप्टनसी जेरेमी इवोविसिस को दूंगा, और वाइस कैप्टन मैं सोचा हूँ कि स्पिनोजो को दे दूँ, मैं इसलिए स्पिनोजो को दिया। मेरी टीम का प्रीव इस प्रकार है, ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड के अनुसार टीम है। ओके क्योंकि दोनों टीमों का हमने शुरू से लेकर आखिर तक परफॉर्मेंस देखा है तो कहीं ना कहीं दोनों टीमें हाई स्कोरिंग मैच खेलती हैं, तो इसलिए मैंने टीम कैप्टन इवोविसिस वाइस कैप्टन स्पिनोजा, और हेड टू हेड में भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। कोर्डोवा का हम टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, और यहाँ से आप बना सकते हो जस्टिन मीराम को। ओके तो ये मेरी अभी के लिए टीम है, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी वो आफ्टर लाइनअप आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कॉमेंट में और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। ओके तो थैंक यू सो मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए, वीडियो अगर आपको हल्की से भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी करना। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।